नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ में शेयर एंड केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के सैयद सोहेल हसन द्वारा राहतगढ़ भोपाल हाईवे पर गुजर रहे यात्रियों को राहतगढ़ हाईवे पर टेंट लगाकर ठंडा शरबत फ्रूटी के साथ फल वितरित कर इन यात्रियों की सेवा की गई। इसके साथ ही प्रवासी यात्रियों को सफल यात्रा की शुभकामनाएं भी दी गई। यह सब काम शेयर एंड केयर की मदद करने वालों के जरिए की गई। इस सेवा का कुछ खर्च महिलाओं ने भी उठाया। इन गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की इस निस्वार्थ सेवा को द खबरदार न्यूज सलाम करता है। इस सेवा में उपस्थित राहतगढ़ सेंटर की सुपरवाइजर नरगिस भी, सजीदा भी और सेंटर की सभी महिलाएं एवं मोहल्ले के युवा लोग उपस्थित रहे। इससे आगे की जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। आज कितने बजे से ये कार्य किया जाता वितरित हुआ? आज सुबह 10 बजे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम चलेगा। आज लगभग कितने मजदूर प्रवासियों तक आपने ये सेवा पहुँचाई? अस्सलामुअलैकुम। आज राहतगढ़ भोपाल से राय पर मैं नरगिस यहाँ के सेंटर के लिए देखती हूँ। वो भोपाल से सुनील सर और सभी डोनर्स के जरिए यहाँ पर नाश्ता, शरबत और इसका इंतजाम किया गया है। जो भी मुसाफिर यहाँ से निकल रहे हैं वो पानी और शरबत पीकर ही जाएं। और जो काम जो भी होता है यहाँ पर, ये सब सिर्फ और सिर्फ डोनर्स के जरिए ही होता है। जो भोपाल से डोनर्स ने यहाँ पर मदद पहुँचाई है जी, उसी के द्वारा यहाँ पर हो रहा है जी। शुक्रिया।